पर्यावरण हमारा फिर समाचार। एक तरफ जहाँ पॉल्यूशन से निपटने के लिए सरकारें बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रही है, उसे निपटा जाए तो इसके लिए बड़े बड़े जुर्माने लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक भ्रष्टाचार नाम के एक ऐसा पॉल्यूशन है जिसे निपटने के लिए पूरी योगी सरकार की महात्मा जो है शांत। मैं इसलिए ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे साथ रामवृक्ष राम जी हैं और सेक्टर 122 में इनको डिक्की के बदले में एक मकान दिया गया। मकान पे क्या हुआ कि अचानक से माफियाओं ने इनका कब्जा कर दिया है। अब इनका क्या नाम है आपका? रामवृक्ष राम है। कहाँ पे मिला था आपको मकान? 122 सेक्टर 122 में इनका मकान मिला था और उनपे तो क्या हुआ वहाँ पे? वहां पे हमें ले जाके पुलिस वालों ने बंद कर दिया और ताला तोड़वा दिया। कौन से पुलिस वाला था? कौन सी चौकी? पड़तला चौकी से। पड़तला चौकी का पुलिस वाला था। नाम वाम है उनका? हाँ, एम आई दरोगा है, एम आई अच्छा गौतम, दरोगा है गौतम, और एक यादव है चौकी चाल। अच्छा, क्या बोला वो? वो बोला कि फोन करके हमें बुलाए, दो तीन बार बुलाए और थाने में चौकी में हमें मारेगा, गाली दिए। मारा भी? हाँ जी, मारे भी। अच्छा, तो गर्दन में चोट है। थाने में ले जाके इंचार्ज साहब ने हमको मारा है, यहाँ थाने में गर्दन में चोट है। चौकी इंचार्ज की? नहीं, थाने का इंचार्ज। थाने इंचार्ज ने वो वहाँ से बुला के ले जाके हमको थाने में बंद कर दिया। थाने में बंद कर दिया आपको? पूछा नहीं आपने कि जुर्म क्या है मेरा? हमने पूछा है, वही बता रहे हैं, कह रहे हैं थानेदार की जाके इसको चाबी और कागज इनको दे दो। तो यहाँ पर जुर्म पूछना ही गुनाह है। इन्होंने जुर्म पूछा तो इनको चौकी में ले जा करके और थाने में बंद करके इनको मारा पीटा इनके साथ। अब जुर्म यह है कि सेक्टर 122 में जो मकान बनी है, सारी सारी मकान उनके लिए बने हैं जो जुद्दी झोपड़ी में रहते हैं, उनके पुनर्वास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं ताकि नोएडा शहर जो है स्मार्ट सिटी और साफ सुथरा हो सके। लेकिन यहाँ पे जो मामला है, ये किसको मकान दिया गया, किसको, कौन कौन मांग रहा है आपसे मकान? मकान जायसवाल है क्या? सुदामा गुप्ता और विष्णु पारी। तो क्या उससे पैसे लिए आपने? नहीं जी, पैसे नहीं लिए। क्यों मांग रहे हो? जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे कागज चुरा गायब कर दिए थे, उसका FIR मैंने कराया। आपके नाम से रजिस्ट्री हुई है मकान जी? कब हुई है ये? 4 मार्च 2022। 4 मार्च 2022 को हुआ। और कोई कागज बना आप? पोजेशन लेटर हमको अथॉरिटी की तरफ से दिया। पोजेशन लेटर आपको अथॉरिटी की तरफ से मिला? तो किसी ने और ने थर्ड पार्टी ने आके आपका जो साइन करवाया हो, देसी कागज बनाया हो? हाँ साइन सुदामा गुप्ता ने करवाया है। क्या बनाया हो? पावर अटॉर्नी है। पावर ऑफ अटॉर्नी। देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि जिस डेट में इनकी रजिस्ट्री हुई है, पोजीशन अपलोड लेटर मिला है, उसी डेट में इसे पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कराया गया है। अब सरकार की योजना में जहाँ तक हमें मालूम है कि जो भी झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना के तहत मकान मिलते हैं उनके आप लाइफ टाइम आप उनको बेच नहीं सकते, आप उनका पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं करा सकते, और कर सकते तो अपने ब्लड रिलेशन को ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे लगता है कि ये दलित हैं, रामवृक्षराम हैं, और जो मकान ले रहे हैं गुप्ता जी हैं जी। हाँ, दूसरी बात एक यहाँ पे कोई कम्बिनेशन नहीं बनता। दूसरी बात ये कि देखिए इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है और SHO महोदय ने साफ साफ देख सकते हैं इन्होंने दिया है, इसके एवज में ACP ने इनको आगे फॉरवर्ड कर दिया जांच के लिए। अब जांच के लिए तो जांच की जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही निर्णय होगा कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। लेकिन पहली नज़र में मैं योगी सरकार से मांग करता हूं कि इस बुजुर्ग की क्या इज्जत है? क्या झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना इसी के लिए लाया गया कि बुजुर्गों को पीटा जाए और उनका मकान छीना जाए? आखिर इनको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? समाज जागरण से रबंधा।